कैसे हैं अभी आप सब? आशा करते हैं कि आप सब सही होंगे। कल हमने वीडियो सारेगामा और फ्लूट पे आपको बताया था। देखिए, फ्लूट बांसुरी बांस की ही होती है, लेकिन आजकल पीवीसी और मेटल में भी उपलब्ध होती है। पर फ्लूट जो बांस में जो इफेक्ट होता है वो इसमें नहीं होता है, सीधी इस पड़ता है। फिर भी अगर स्टार्टिंग में हम बांस की बांसुरी नहीं परचेज कर पाते हैं तो मेटल या पीवीसी की बना के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको सारेगामा पा धा नि सा बताया था, इसकी सारी एक्सरसाइज बताई थी। स्टार्टिंग में सबसे पहले बड़ी दिक्कत आती है कि इसमें साउंड जनरेट करना। हम सीधी वाली फ्लूट आसानी से बजा सकते हैं, लेकिन ये वाली बहुत प्रैक्टिस के बाद आती है, बहुत ही प्रैक्टिस के बाद आती है। और इसकी एक टेक्निक होती है कि इसको आवाज़ कैसे बनाए। तो एक टेक्निक है, जब तक आप कोई ऐसा फ्लूट नहीं लेंगे या उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि हमें बजाना कैसे। सबसे पहले ये साउंड अगर आप निकाल लेते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग लंबा स्वर आपको सांस लेना है और लंबा स्वर बजाना है। तो ये देखिए, पहली बार में ऐसा नहीं बजता है, तो आप परेशान नहीं होना। हम इसको रोल कर रहे हैं तो कोई एक निश्चित जगह होती है जहाँ पे इसकी आवाज़ आती है। हम इसको होठों को इस तरह से बारीक धार बना करके उसमें से एयर ब्लो करते हैं, हवा फूंकते हैं इस तरह से। तो इसके अंदर हवा नहीं डालना है, इसके ऊपर से पास आउट करना है। जस्ट 90 डिग्री का कोण हमारा ऐसे रहेगा, नीचे वाले होठ पे और ये सुराग सेंटर में। पहले ही कुछ इस तरह से आवाज आएगी आपको। लेकिन एक जगह बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसको घुमाएं, कोई जहाँ पे एडजस्ट जहाँ पे हो जाएगी आपको वहीं पे रोक देना है, और वहीं पे आपको लंबे सांस लेकर के प्रैक्टिस करने जैसे। जब ये साउंड आना शुरू हो जाए तो आपको ऊपर से ये वाला होल क्लोज करते जाना है। ऊपर से तीनों होल को क्लोज करने के बाद आपको जो आपका जो हवा का जो प्रेशर है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लो पिच की तरफ जा रहे हैं। लो पिच में हवा का प्रेशर धीरे रखना। ये हमारा सा है। जब हम मिडल पिच से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हवा का प्रेशर तेज रखना पड़ेगा। इस पे हम आप आज कुछ एक्सरसाइज इस पे बता देते हैं आपको। अगर आपने ये बजाना आ गया है, इस पे आवाज आपको आ गई है, तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा 6 होल्स क्लोज है। तो ये जो इफेक्ट आप जो फिंगर से दे रहे थे वो आपको एयर से देना पड़ेगा। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि एक स्वर को 4 बार बजाना, वो हम फिंगर से करेंगे और फिर हम
होठों से करेंगे। इसमें होठों का जो हवा फूंकने का तरीका और फिंगर दोनों इसमें काम करेंगे, तो इसलिए हवा फूंकने का तरीका और फिंगर दोनों को एक साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। चार के बाद फिर दो भी आपको करना है। इसी तरह से फूक हवा से भी आपको डबल। चार दो फिर सिंगल, सिंगल पे आपको स्पीड बनानी है। इतना स्पीड आप सारे गामा पा धा नि सा इस पे आप कर लेते हैं अच्छे से, तो आप बहुत अच्छा सा फ्लूट को कवर कर लेंगे। और हम आगे जो भी एक्सरसाइज आपको बताएंगे वो आपको उसमें सारे गामा अच्छे से याद करना है और अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, ताकि गाने वाने आप जल्दी से इस पे कवर कर लें। जय हिंद।